हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो मैंने जैसा कि आप लोग को बताया था, सैटरडे सुबह 9:30 बजे हम लोग एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं और उनसे निकलने वाले हार्मोन हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। और आप लोगों को पता है ग्लैंड्स आप लोग की बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे निकलने वाले हार्मोन के बारे में आप लोगों से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं कुछ जानकारी आप लोगों को दे दूं। आप लोगों को पता है जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रोज़ सुबह 9:30 बजे हमारी क्लास होती है साइंस की, मंडे टू फ्राइडे, है ना। और टारगेट एक ही है जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी है, लेट्स क्रैक इट। तो आप लोग ध्यान रखिए, रोज़ सुबह 9:30 बजे आप लोगों की फ्री क्लास होती है, रोज़ सुबह 9:30 बजे 9:30 पे। और अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं, सैटरडे और संडे को क्या होता है, तो सैटरडे और संडे को कुछ स्पेशल इवेंट लेकर आता हूं आपके लिए। जैसे इस सैटरडे को हम लोग करने वाले हैं ये, और कल भी हम लोग कुछ एक स्पेशल इवेंट करेंगे रेलवे से संबंधित, ठीक है। कल संडे को ये आप लोगों का इवेंट मैं लेकर आने वाला हूं, है ना, कल संडे को ये वाला सुबह 9:30 बजे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दूं, मंडे टू फ्राइडे ही शाम को 4 बजे आपके लिए एक फ्री लाइव टेस्ट भी होता है जिसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, अपनी साइंस इंप्रूव कर सकते हो। आपको इसमें सॉल्यूशन भी मिलेगा, शाम को 4 बजे होता है मंडे टू फ्राइडे। इसके लिए क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर फ्रेंड्स गोल आप लोग डालें अपना रेलवे एग्जाम, सर्च करें नीरज जांगिड़ और आप लोग मुझे फॉलो कर लें। यहाँ पर स्पेशल क्लासेज में मिल जाएगा, शाम को 4 बजे फ्री टेस्ट होता है आप लोग के लिए, ठीक है। और अगर आप लोग कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं अनअकैडमी पर, तो नीरज 11 रेफर कोड लगाया जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, ग्लैंड्स एंड हार्मोन। और आप लोगों को पता है इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सर, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो ग्लैंड्स होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेकिन उससे पहले हम लोगों को समझना होगा कि सर ये ग्लैंड क्या होती है, ग्रंथि क्या होती है। सर ग्लैंड क्या होती है, ऐसे ऑर्गन जिनसे कुछ ना कुछ सब्सटेंस निकलता हो, जिनसे कुछ ना कुछ पदार्थ निकलता हो। और अगर इनसे जो पदार्थ निकल रहा है वो एंजाइम्स निकल रहे हैं, तो इन ग्लैंड को बोला जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बाह्यश्रावी ग्रंथियां। और अगर इन ग्लैंड से जो सब्सटेंस निकल रहा है, पदार्थ निकल रहा है, वो हॉर्मोन्स निकल रहे हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो बेसिकली आज हम लोग सभी हार्मोन्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो कौन से ग्लैंड्स के बारे में बात करने वाले हैं, एंडोक्राइन की यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां। और आपको पता है हमारी बॉडी में केवल एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो सर ये सभी ग्लैंड्स मिलके एक सिस्टम तैयार करती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि सर ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या है यानी अंतःस्रावी तंत्र क्या है, दोस्तों जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है ये कई सारी एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलके बना होता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है दोस्तों, जिनसे कोई ना कोई हार्मोन निकलता है। अब बात आती है कि सर आप लोग का हार्मोन क्या होता है और एंजाइम क्या होता है, दोनों में डिफरेंस हम लोग देखते हैं, आइए। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग समझते हैं कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी एंडोक्राइन में, मतलब एंडोक्राइन एक्सोक्राइन तो समझ ही आ गया। अब हम लोग समझते हैं सर ये एंजाइम में, सर हो सकता है आज फॉन्ट जो साइज हो ये थोड़ा सा पतला हो, थोड़ा सा एडजस्ट करना, बस आज की बात है, चलो मैं इधर लिख देता हूँ। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि सर ये एंजाइम में और हॉर्मोन में डिफरेंस क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो ये एंजाइम होते हैं ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, समझ में आ गया। दूसरी बात क्या है सर, ये एक बायो कैटलिस्ट की तरह वर्क कर रहे हैं। बायो कैटलिस्ट का मतलब क्या है दोस्तों, जैव उत्प्रेरक। सर जैव उत्प्रेरक का मतलब क्या है दोस्तों, ये रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं, ये अभिक्रिया दर को बढ़ा देते हैं, कौन, एंजाइम। और ध्यान रखें सर, ये जो एंजाइम होता है इनका वर्क क्या होता है, इनका कार्य क्या होता है दोस्तों, ये बेसिकली भोजन के पाचन में मदद करते हैं। आप लोग जो भोजन लेते हो उसके डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सर किस प्रकार हेल्प करते हैं, तो ये जो फूड होता है दोस्तों, जो भोजन होता है ये फ्रेंड्स उसकी सरफेस पे वर्क करते हैं, मतलब ये आपके सरफेस पे कार्य करते हैं, पृष्ठ पर कार्य करते हैं उसके, ठीक है। जबकि हार्मोन की अगर हम लोग बात करें तो सर ये आपके ब्लड में घुलते हैं, ये आप लोगों के फ्रेंड्स किस में घुले होते हैं, ब्लड में होते हैं, ये सरफेस पे काम नहीं करते। और जहां पर आप लोगों का फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट सेल होती है ये ब्लड के थ्रू वहां पर जाते हैं। तो एक एक चीज हम लोग समझते हैं कि एंजाइम और हार्मोन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग के जो हार्मोन्स होंगे सर ये कहां से निकलेंगे, ये आपके निकलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड से यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां से। और एंजाइम जो होंगे ये निकलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बाह्यश्रावी ग्रंथियों से, ठीक है। आइए
तो अब हम लोग इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स देखते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और उनसे कौन कौन से हॉर्मोन्स निकलते हैं, चलिए आइए, और उन हॉर्मोन का फंक्शन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारी बॉडी में मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करूं, कौन कौन सी फ्रेंड्स मुख्य है, अंतःस्रावी ग्रंथियां है, तो एक एक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत छोटा वीडियो होगा दोस्तों, 20 से 25 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट का वीडियो होगा। आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैक्सिमम आपका 30 मिनट का वीडियो होगा और इसमें आप लोगों को सारे ग्लैंड्स और सारे हार्मोन समझ में आ जाएगा। एक बार थम्स अप कर दीजिए, ठीक है, चलिए आ जाइए। तो फ्रेंड्स, ये हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जैसे आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हम इनकी बात करने वाले हैं। कौन कौन सी होती है सर? ये होती है आपकी पीनियल ग्लैंड, एक एक के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। एक होती है आप लोगों की पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आप लोग की ब्रेन से जुड़ी होती है, आप लोग के ध्यान रखिए, ब्रेन से, मस्तिष्क से। इसके बाद में दोस्तों आपकी आती है थायराइड ग्लैंड, आपकी इधर आती है थायराइड ग्लैंड, क्लियर। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं आप लोग के पैराथायराइड ग्लैंड। दोस्तों पैराथायराइड ग्लैंड क्या होती है? ये आपकी सर पैराथायराइड ग्लैंड क्या होती है? ये जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है ना सर, इसी के पीछे होती है। ये जैसे थायराइड ग्लैंड है, इसी के पीछे होती है पैराथायराइड ग्लैंड। और ये कितनी होती है सर? अगर संख्या में बात करें तो सर ये 4 होती है। ये कितनी होती है? 4 होती है। आगे चले, इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे सर थाइमस ग्लैंड के बारे में। इसके बाद में हम लोग समझेंगे एड्रेनल ग्लैंड, जिसको हिंदी में अधिव्रक ग्रंथि बोला जाता है। ये कहां पर होती है? देख पा रहे हो किडनी है ना, ये सर अपनी किडनी है, एक किडनी ये रही, एक किडनी ये रही। तो सर ये किडनी के ऊपर होती है। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को बोलूं ये किडनी है, तो सर ये किडनी के ऊपर होती है। तो आप लोग मुझे बताइए कितनी होगी एड्रेनल ग्लैंड? सर 2 किडनी होगी, एक ये, तो दोनों के ऊपर सर 2 ग्लैंड होती जाएगी ना, एड्रेनल ग्लैंड 2 होती है। और सर एक होती है सर आपकी पैनक्रियास यानी अग्नाशय। इसके बाद में सर एक होती है ओवेरी, जो फीमेल में होती है, और फिर हम लोग बात करेंगे टेस्टिस, जो मेल में होती है, ठीक है। तो एक एक को हम लोग समझते हैं कौन से ग्लैंड का क्या फंक्शन है, इससे कौन से हार्मोन निकलते हैं। चले दोस्तों सर, अरे सभी तैयार है ना, एक बार थम्स अप करके बता दीजिए, सभी चीजें परफेक्ट है, आ जाइए। तो अब एक एक ग्लैंड के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, चलिए आ जाइए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर पीनियल ग्लैंड। सर पीनियल ग्लैंड के बारे में एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, ये आप लोगों के ब्रेन से जुड़ी होती है, मस्तिष्क से जुड़ी होती है। कहानी क्लियर है क्या? ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है फ्रेंड्स? ये जो पीनियल ग्लैंड है, इसको हम लोग थर्ड आई भी बोलते हैं, याद रह जाएगा क्या? इसको हम लोग फ्रेंड्स थर्ड आई भी बोलते हैं, तीसरी आंख भी बोलते हैं, इसको थर्ड आई भी बोलते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ सर, थोड़ा सा पेन आपको हो सकता है आज पतला लगे, बस आज के लिए एडजस्ट कर लीजिए, बाकी सारा कंटेंट लिखा हुआ रहेगा, टेंशन ना ले। इसको सर जो आपकी पीनियल ग्लैंड होती है, इसको थर्ड आई भी बोलते हैं, तीसरी आंख भी बोलते हैं। सर इसका कारण क्या है? सर इसकी उपस्थिति ब्रेन्स के बिल्कुल मध्य में होने के कारण हम लोग इसको थर्ड आई बोलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सर? ये जो पीनियल ग्लैंड होती है, मस्तिष्क से जुड़ी होती है, ठीक है। सर इससे कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो इससे जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है मेलाटोनिन। सर मेलाटोनिन का कार्य क्या है फ्रेंड्स? आप लोग जानते हैं, हम लोग सोते हैं जगते, तो ये जो साइकिल बनती है ना, तो सोने जागने के चक्र का जो नियंत्रण करता है वो यही हार्मोन करता है। और ये हार्मोन कहाँ से निकलता है? सर पीनियल ग्लैंड से निकलता है। कहानी क्लियर है, चलिए आगे। नेक्स्ट ग्लैंड की हम लोग बात करते हैं सर, वो होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। सर अगर आप लोगों से पूछा जाए आपके बॉडी में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो सर सबसे छोटी ग्रंथि आपकी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि आपकी बॉडी की सबसे छोटी है। ये क्या है सर? सबसे छोटी ग्रंथि होती है, समझ गए? सबसे छोटी, ठीक है। और ध्यान रखिए सर, इसी पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। आप लोग बोलेंगे सर ये तो छोटी है, फिर इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि दोस्तों ये बाकी जो ग्लैंड्स है, कई ग्लैंड्स को ये एक्टिवेट करती है, उनको सक्रिय करती है। मतलब कई ग्लैंड पे दोस्तों इसका क्या रहता है? कंट्रोल रहता है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो आइए देखते हैं। इससे एक निकलता है सर ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का क्या कार्य होता है आपकी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए? सर ये आप लोगों का जरूरी होता है ग्रोथ हार्मोन। अगला हार्मोन की बात करते हैं सर, ये निकलता है प्रोलैक्टिन। सर ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या है? तो आप लोगों को पता है दोस्तों, जो फीमेल में दुग्ध वृद्धि में ये क्या होता है? सहायक होता है ना, जिससे दूध ज़्यादा स्रावित करे वो। और ध्यान रखें, ये जो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है, ये आप लोगों का फ्रेंड्स एक चाइल्ड के बाद में, यानी दोस्तों एक बच्चे के बाद में एक्टिवेट होता है फीमेल में, समझ गए? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये बच्चे के बाद में एक्टिवेट हो जाता है, जब बच्चे के जन्म के बाद में। आगे हम लोग बात करते हैं सर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या काम होता है।
तो फ्रेंड्स ये फीमेल में होता है, जब आप लोग मतलब जब फीमेल्स की दोस्तों डिलीवरी होती है तो उस दौरान नॉर्मल डिलीवरी हो इसलिए दोस्तों जो गर्भाशय होता है उसमें संकुचन हो जाता है, और ये किस वजह से हो पाता है सर, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से हो पाता है। तो ये तो मैंने इसका जो फंक्शन बताया किसमें बताया, ह्यूमन में बताया, लेकिन ध्यान रखिए एनिमल में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, वहाँ पर ये सर दुग्ध श्रावण में हेल्पफुल रहता है, जिससे दूध ज़्यादा निकले, तो इसलिए एनिमल में जानवरों में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, ध्यान रखें। लेकिन अभी मैंने आप लोगों को जो फंक्शन लिखे हैं वो ह्यूमन के लिखे हैं, कहानी क्लियर है, एक बार यस करके बता दीजिए, ठीक है। सर क्या यही तीन हार्मोन निकलते हैं कि नहीं और निकलते हैं, मैं बता रहा हूँ। एक होता है आपके फॉलिसल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सर ये फॉलिसल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करता है, तो ये आप लोग का जो अंडाशय और वृषण होता है ना इसके फंक्शन को रेगुलेट करता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका काम क्या होता है, तो ये यौन विकास और क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब मैं अगर आप लोगों को बात करूं कि जो गर्भाशय होता है ना उसको प्रेरित करता है स्पर्म को लेने के लिए, शुक्राणु को ग्रहण करने के लिए, तो आप लोग इसको बोल सकते हो ये यौन विकास के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन क्या करता है, आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप होता है सर, ये उसको कंट्रोल करता है। ध्यान रखिए दोस्तों जो आप लोग के शराबी व्यक्ति होते हैं जो अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं उसमें जो ADH होता है वो आपका काफ़ी वीक हो जाता है, और ये ADH हार्मोन की अगर हम लोग बात करें सर, ये आप लोगों के जो यूरिन होता है ना उसमें वाटर का अमाउंट भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो अगर कोई शराबी व्यक्ति होगा जो ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करता है उसमें ADH हार्मोन वीक हो जाता है, इसलिए उनको बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, बार बार उनको पेशाब आता है। चले आगे, आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं सर थायरॉयड ग्लैंड की। समझ में आ गया चीज़ें क्लियर। संकुचन क्या होता है सर, कंप्रेशन को हम लोग बोलते हैं संकुचन, ओके। चले आगे आइए सर, आपकी नोटिफिकेशन मिलती नहीं है, आपकी क्लास कैसे ले रामलाल जी, मैंने आपको टाइम बता रखा है सुबह 9:30 बजे, तो आई जाऊंगा ना सुबह 9:30 बजे, ढूंढ लिया करो, बहुत सारी क्लासेस होती है पैरेलल में। देखो मैं आप लोगों को बताऊं प्यारे दोस्तों, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, साइंस पढ़ा रहा हूं, साइंस की क्लास होती है 9:30 बजे। साइंस में आपको 0.0001% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता है बहुत अच्छे से हम लोग सिलेबस कर रहे हैं, और एग्जाम से पहले आपके पूरा साइंस की जिम्मेदारी मेरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, और मैं आप लोगों को वीकेंड्स पे सैटरडे संडे पे कुछ छोटे छोटे टॉपिक लेकर आता रहूँगा दोस्तों, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिले। तो ये जो मेहनत आपको करनी चाहिए वो मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं, तो आप लोग बस पढ़ाई में ध्यान दें और किसी भी चीज़ में नहीं, 9:30 बजे आपकी क्लास की टाइम होती है, चलिए आ जाइए। अब हम लोग बात करते हैं सर नेक्स्ट ग्लैंड की, जिसको हम लोग बोलते हैं थायरॉयड ग्लैंड। सर थायरॉयड ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलता है, तो सर इससे एक तो निकलता है T3 हार्मोन, और इस T3 को ही क्या बोला जाता है, ट्राई आइडोथायरोनिन हार्मोन बोला जाता है। और कौन सा निकलता है, तो सर इससे एक निकलता है कैल्सिटोनिन, और एक आप लोगों का निकलता है थायरोक्सिन, समझ गए। इसको फ्रेंड्स T4 हार्मोन भी बोला जाता है, और इसको आपको T3 हार्मोन भी बोला जाता है। सर इसका काम क्या है, तो जो T3 हार्मोन होता है मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर एंड हार्ट रेट, मतलब आपको पता है मेटाबॉलिज्म जो प्रक्रिया होती है, उपापचय जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सर, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आपके बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते नहीं होते, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ये सभी मिलकर क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म कहलाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इसको कंट्रोल करता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, हार्ट रेट मेंटेन करता है, कौन ये आप लोगों को करता है, ट्राई आइडोथायरोनिन। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें सर कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन हार्मोन किससे निकलता है, जैसा कि अभी मैंने बताया थायरॉयड ग्लैंड से निकलता है, और इसका फंक्शन क्या होता है सर, ये ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। समझ में आ गया, चलिए आगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर थायरोक्सिन हार्मोन है, जिसको T4 भी बोल रहे हैं हम। सर इसका क्या कार्य होता है, तो ये आप लोग के फ्रेंड्स डाइजेशन, पाचन में, हृदय और मांसपेशियों के कार्य, मस्तिष्क से विकास और हड्डियों के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये फ्रेंड्स सारे आप लोग की बॉडी के जो हड्डियाँ हो गई, मस्तिष्क हो गए, उन सब के फ्रेंड्स क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, मतलब उनके क्या करता है फ्रेंड्स, उनके फंक्शन को रेगुलेट करता है। चलिए आगे, पाचन हो गया, हृदय हो गया, आगे हम लोग बात करते हैं सर पैराथायरॉयड ग्लैंड। देखिए पैराथायरॉयड ग्लैंड होती कहाँ पर है, अभी आप लोगों ने देखा है सर इस वाली ग्लैंड को, तो हम लोगों ने क्या बोला है, अभी आप लोगों ने देखा है जो ये वाली ग्लैंड थी ना आपकी, ये वाली ग्लैंड थी, इसको थायरॉयड ग्लैंड बोला है सर, इसी के जस्ट पीछे होती है, जैसे मान लो थायरॉयड ऐसी है तो इसी के जस्ट पीछे होती है, और अगर संख्या में बात करें तो सर ये 4 होती है, ठीक है, अगर संख्या में बात करें 1, 2, 3, 4, ये 4 होती है, देखो ये 1, 2, 3, ये देख पा रहे हो छोटी छोटी, तो इनसे कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो फ्रेंड्स इनसे जो हार्मोन निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं PTH, जिसका फ्रेंड्स फुल फॉर्म है पैरा थायरॉयड हार्मोन।
समझ में आ गया। तो सर ये PTH क्या करता है, तो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो थोड़ा सा बढ़ाता है, ठीक है। और हड्डियों गुर्दे यानी किडनी, हड्डियां गुर्दे और छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में कैल्शियम का स्तर बढ़ाता है। देखो मैंने आपको बताया ना, बढ़ाता है। तो ये कार्य किसका है सर, PTH का है, कि आपकी बॉडी में कैल्शियम का अमाउंट ये बढ़ाता है। कहानी क्लियर है क्या? तो फ्रेंड जितनी भी ग्लैंड्स हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, मैं एक ही जगह आप लोगों को लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को बस एक बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया? चलिए आगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर थाइमस ग्लैंड की। थाइमस ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो सर इससे एक निकलता है थाइमोपोएटिन। थाइमोपोएटिन का काम क्या है सर, जो आप लोगों की स्किन होती है, त्वचा होता है, उसकी उम्र वृद्धि की दर को प्रभावित करता है। जैसे आप लोगों को बताया सर, कोई व्यक्ति होते हैं उनकी जो स्किन होती है काफ़ी अच्छी होती है, और किन्हीं की फ्रेंड्स क्या हो जाती है, कम एज में थोड़ी सी ऐसे ढीली से पड़ जाती ना, तो उसका कारण क्या है दोस्तों, थाइमोपोएटिन हार्मोन, ठीक है। किसी में ज़्यादा श्रावित होता है, किसी में कम श्रावित होता है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स आपका थाइमोसिन। सर थाइमोसिन के कार्य क्या होता है सर, ये आपकी टी कोशिका का उत्पादन करता है, टी सेल का उत्पादन करता है। आप लोग बोलेंगे सर ये टी सेल क्या होता है? सर जो टी सेल है ये आप लोगों का लिम्फोसाइट का एक प्रकार है। आप लोग बोलेंगे सर लिम्फोसाइट क्या होता है, आइए देखते हैं। सर आप लोग जानते हैं आपके ब्लड में RBC होता है, WBC होता है, और प्लाज्मा होता है आप, और प्लेटलेट्स होता है। तो अगर हम लोग बात करें आप लोग के ब्लड में, रक्त में क्या होता है दोस्तों, 55% होता है प्लाज्मा और 45% होता है आपके ब्लड कॉर्पस्कल्स। और इन 45% में क्या क्या आता है, RBC आता है, WBC आता है, और प्लेटलेट्स आती है। तो सर WBC जो होता है ना, वाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कणिका, सर ये भी आप लोगों की अलग अलग प्रकार की होती है। एक होता है सर मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट। सर ये लिम्फोसाइट क्या है, तो लिम्फोसाइट का कार्य क्या है, ये आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाने का कार्य करता है। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ क्या, लिम्फोसाइट का जो कार्य है वो आपकी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना है। और दोस्तों लिम्फोसाइट का ही क्या है, ये पार्ट है टी सेल। तो अगर टी सेल का प्रोडक्शन होगा तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, मुझे बताइए, बढ़ेगा। तो ये आपका जो थाइमोसिन जो आपका हार्मोन है, ये ही क्या करता है, जो टी सेल होती है या फिर आप लोग टी कोशिका बोल सकते हो, इनका उत्पादन करता है, इनका प्रोडक्शन करता है। और ये टी सेल क्या है सर, ये आपका लिम्फोसाइट का भाग होता है। अब आप बात करेंगे लिम्फोसाइट क्या होता है दोस्तों, जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है, और लिम्फोसाइट WBC का पार्ट होता है। क्लियर है क्या, समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेशन को आप लोग लाइक करते रहिए। चलिए आगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर एड्रिनल ग्लैंड की, जिसको हिंदी में बोला जाता है अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है, संख्या में सर दो होती है। अगर इसकी पोजीशन आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिए सर, ये देखिए राइट किडनी हो गई आप लोगों की, मतलब अगर आप लोग यहाँ पर खड़े हो इस प्रकार से खड़े हो, तो आप लोग ये लेफ्ट किडनी हो गई, ये लेफ्ट किडनी हो गई, और ये आपकी राइट किडनी हो गई। तो किडनी के ऊपर होती है आपकी एड्रिनल ग्लैंड, तो एक इधर हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी। समझ में आ गई दोस्तों बातें? चलिए एक बार थम्सअप करके बता दीजिए, आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है, परफेक्ट आ रही है तो बताइए। चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं सर एड्रिनल ग्लैंड की। सर एड्रिनल ग्लैंड कितनी होती है, संख्या में एक और दो, दो होती है। सर इससे कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। और कौन से निकलते हैं सर, एक निकलता है कॉर्टिसोल, और एक निकलता है सर क्या, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। तो एक एक को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस एल्डोस्टेरोन की। सर एल्डोस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन क्या होता है सर, आपकी जो किडनी होती है उसमें सॉल्ट का अमाउंट क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। कौन करता है, एल्डोस्टेरोन करता है। कहाँ से निकलता है, आप लोग का एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। आप लोग कैसे याद रख सकते हो सर, किडनी में आपकी सॉल्ट का अमाउंट कंट्रोल करता है, तो ध्यान रखिए किडनी के जस्ट ऊपर ही तो होता ही है, किडनी के जस्ट ऊपर ही होता है, तो आप लोग इससे ध्यान रखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर, नेक्स्ट हार्मोन होता है आपका कॉर्टिसोल। ये भी कहाँ से निकलता है, एड्रिनल से निकलता है। और ये क्या करता है, आपके बॉडी में कार्ब, आप देखिए जो भी फूड लेते हो, जो भी भोजन आप लोग खाते हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, मिनरल भी होते हैं। तो फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का प्रबंधन और उपयोग करने में मदद करता है, उनका यूज़ करने में क्या करता है, ये मदद करता है। कौन, आप लोग का कॉर्टिसोल। समझ में आ गया, चलिए आगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। सर सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ये एंड्रोजन और एस्ट्रोजन क्या है। सर ये सेक्स हॉर्मोन्स हैं।
कौन से हार्मोन है सर? ये सेक्स हार्मोन है। और अगर इसमें बात करें सर एंड्रोजन की, तो ये आपका एक मेल सेक्स हार्मोन है, यानी दोस्तों ये नर सेक्स हार्मोन है, ये मेल में होता है। और अगर बात करें सर एस्ट्रोजन की, तो ये आपका एक फीमेल सेक्स हार्मोन है। समझ में आ गई इतनी सी बात? तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। आप लोगों से सीधा पूछा जाता है ये हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है या इस हार्मोन का क्या कार्य होता है, तो आप लोगों को सभी चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए आगे, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर पैनक्रियास। सर जो पैनक्रियास होता है, एक चीज़ ध्यान रखिए, मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताया था ग्लैंड आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है सर एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? जिससे हॉर्मोन्स निकलते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी भावे श्रावी ग्रंथियां कौन सी होती है दोस्तों? जिससे एंजाइम्स निकलते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, जो पैनक्रियास है, अग्नाशय है, ये दोनों प्रकार की ग्लैंड है। ये आपकी एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यानी इस ग्लैंड से आपके एंजाइम्स भी निकलते हैं और आपके हॉर्मोन्स भी निकलते हैं। समझ में आ गया? तो आप लोगों से पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, यानी आपकी अंतःस्रावी भी है बाह्यस्रावी भी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, वो आपकी हो जाएगी पैनक्रियास। तो इससे कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, क्या अभी हमारा ये चर्चा का विषय है क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, यानी इससे कौन से हॉर्मोन्स निकलेंगे हम लोगों को बेसिकली अभी वो देखना है। तो हॉर्मोन जो निकलते हैं सर, इससे दो निकलते हैं, एक निकलता है इंसुलिन हॉर्मोन और एक निकलता है ग्लूकागन हॉर्मोन। क्या होता है दोनों में, दोनों का फंक्शन क्या होता है, आइए देखते हैं। सर आपको पता है आपकी बॉडी में एनर्जी किससे मिलती है? विटामिन से मिलती है क्या? नहीं। किससे मिलती है? आप लोग जो भी एनर्जी मिलती है सर, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। जो भी आप लोग भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, उससे एनर्जी मिलती है। तो आइए देखते हैं होता क्या है। सर आप लोग जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जो आप लोग कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट जो आप लोग ले रहे हैं सर, ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, एक जटिल रूप होता है। जब इसका पाचन होगा, कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होगा, जब डाइजेशन होगा सर, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक है सर। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, जो ये ग्लूकोज जो आप लोगों का मिला ना सर, ये ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में। समझ में आ गया? ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। अगर किसी वजह से अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन की कमी आ जाए, तो सर क्या हो जाएगा? देखिए, तो अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी आ जाएगी, तो ग्लूकोज आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो आपकी बॉडी में क्या ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा क्या? क्या आपकी बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा क्या? बढ़ जाएगा। और इसी प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं डायबिटीज, यानी फ्रेंड जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मधुमेह। समझ पा रहे हैं? और आपको पता है जिसको डायबिटीज प्रॉब्लम होती है, आप लोगों ने देखा होगा आपके मतलब एजेड लोग को ज़्यादा होती है, तो उनको दोस्तों इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। आपने सुना होगा, आसपास में देखा होगा कोई ना कोई पेशेंट होगा, तो इंसुलिन के क्यों है? क्योंकि दोस्तों जिससे ग्लूकोजन आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाए। कहानी क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट हार्मोन है सर आपका ग्लूकागन। सर ये ग्लूकागन क्या हार्मोन करता है, आइए देखते हैं। तो देखिए, इंसुलिन क्या कर रहा था सर, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा था। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी आती है, तो जो ग्लूकागन हार्मोन है ना, ये दूसरा वाला हार्मोन, ये ग्लूकागन हार्मोन वापस क्या करता है सर, ग्लाइकोजन को वापस किस में तोड़ता है सर, ग्लूकोज में तोड़ता है। समझ में आ गई इतनी सी बात? तो क्या मैं बोल सकता हूँ ग्लूकागन हार्मोन का काम क्या है? प्रीवेंट ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉपिंग टू लो। मतलब अगर आपके ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो जाए, तो उसको क्या करता है, रोकता है। मतलब ब्लड ये आपका ग्लूकोज का स्तर कम होने से रोकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो ग्लाइकोजन जो बना, इसको वापस किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चले आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर आपके ओवेरी की और टेस्टिस की। आप लोगों को पता है दोस्तों, जो ओवेरीज होती है फीमेल में होता है, जिसको हम लोग हिंदी में अंडाशय बोलते हैं, और टेस्टिस होता है आप लोगों के मेल में, जिसको हम लोग हिंदी में वृषण बोलते हैं। तो ओवेरी से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, ध्यान रखिए सर, इन दो ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं, इनको सेक्स हार्मोन बोला जाता है। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इससे पहले ऐसी कौन सी ग्लैंड थी उससे भी सेक्स हार्मोन निकल रहे थे, बताइए? एक ग्लैंड और थी ना, उससे भी सेक्स हार्मोन निकल रहे थे, बताओ।
अरे भूल गए क्या सर, मैंने यहाँ पर लिखा था एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, बताइए, याद करिए। तो उनसे भी सेक्स हार्मोन निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सर आप लोगों का, फीमेल में जो हॉर्मोन्स निकलता है, एक निकलता है एस्ट्रोजन। देखो एस्ट्रोजन के आगे मैंने एक स्टार मार्क लगा दिया। स्टार मार्क का मतलब क्या है? ऑल्सो सीक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। दोस्तों हो सकता है आपको थोड़ा सा छोटा दिख जाए, लेकिन पीडीएफ में आप लोगों को बड़ा दिख जाएगा, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर ले आप लोग। चलिए तो अगर हम लोग बात करें सर इससे कौन सा निकलता है, मैं अगर आप लोगों से बात करूं ओवरी से यानी अंडाशय से कौन से हार्मोन निकलते हैं, ये दो हार्मोन निकलते हैं। और ध्यान रखिए दोस्तों जो एस्ट्रोजन है ये आप लोगों का एड्रिनल ग्लैंड से भी निकलता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑल्सो सीक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड, यानी अधिवृक्क ग्रंथि से भी ये निकलता है। तो सर दो हार्मोन कौन से निकलते हैं, एक निकलता है एस्ट्रोजन और एक निकलता है प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन की अगर हम लोग बात करें और प्रोजेस्टेरोन की बात करें, तो फ्रेंड जो ये मेंसुरी साइकिल होता है, मेंसुरेशन साइकिल जो होता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग एमसी बोलते हैं सर, महावारी चक्र जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो ये इसको क्या करता है फ्रेंड्स, नियमित करने में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और फ्रेंड्स ये गर्भावस्था में प्रेगनेंसी में भी क्या करते हैं, ये दोनों हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं सर जो मेल में जो हार्मोन होता है, सॉरी टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है सर, ये फर्टिलिटी बढ़ाता है, ये जनन क्षमता बढ़ाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, काफ़ी मेहनत से आपके लिए पूरा कंटेंट बनाया गया है। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कैसे आप लोगों को ये वीडियो लगा। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और उनसे निकलने वाले हार्मोन हैं, मैंने एक ही वीडियो में आपको डालने की कोशिश करी है और पूरे मैंने डाल भी दिए हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता है मंडे टू फ्राइडे हमारी डिटेल में क्लास होती है सुबह 9:30 बजे, और सैटरडे और संडे को क्या होता है, मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आता हूँ। जैसे इस सैटरडे को मैं ये लेकर आया हूँ, ठीक है, ग्लैंड्स एंड हार्मोन। और पिछले सैटरडे को क्या लेकर आया था मैं, पीरियोडिक टेबल के टॉप 30 क्वेश्चन, समझ रहे हो बात को। फिर सर संडे को क्या लेकर आओगे, तो इस संडे की बात करें मतलब कल, तो कल मैं आपके लिए क्या आऊँगा, रेलवे से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्न, कि सर रेलवे में ये मंडल कहाँ पर है, कितने जोन में बटा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। और आप लोग फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताना लेक्चर कैसा लगा, क्या मेहनत पसंद आई या नहीं आई। और आपको पता है रोज़ शाम को 4 बजे मंडे टू फ्राइडे मैं आपके लिए फ्री साइंस का लाइव टेस्ट भी लेता हूँ, इस फ्री है, बिल्कुल फ्री है, मैं आपको पूरा साइंस पढ़ा दूंगा, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आपके साथ में हूँ, बिल्कुल परेशान ना हो। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, वहाँ पर गोल डालें रेलवे एग्जाम, वहाँ पर सर्च करें नीरज जांगिड और आप लोग मुझे फॉलो कर लें। और यहाँ पर दोस्तों स्पेशल क्लासेज में शाम को 4 बजे होती है मंडे टू फ्राइडे, तो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी शाम को 4 बजे, ध्यान रखें। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग कोई एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त वगैरह कोई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो मेरा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है एसएससी जेई की जो तैयारी कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो ये मेरा सारा कोर्स वहाँ पर कंप्लीट है, आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। और इसके लिए आप रेलवे वाले को तो मैं इधर करवा ही रहा हूँ, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, ओपन करिए, एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करिए, गेट सब्सक्रिप्शन करिए, ऑप्शन आ जाएगा 12 महीने का। तो 12 महीने का दोस्तों 6,000 रुपये पड़ता है पूरे साल भर का, रेफरल कोड आप लोग डालेंगे नीरज 11 तो ये 5400 का पड़ जाएगा, और 2 साल की बात करें 2 साल का 6480 का ये पड़ जाएगा। तो नीरज 11 रेफरल कोड लगा के आप लोग 10% की छूट पा सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे रेलवे के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताएं। और इसकी जो पीडीएफ है मैं अभी आप लोग को पिन करवा दूंगा कमेंट में, ठीक है, कमेंट में पिन करवा दूंगा।